मूवी की शुरुआत में एक आदमी अपने बच्चे के साथ जाते हुए दिखाया जाता है। तब वो किसी से बच के सेफ हाउस में रह रहा होता है। तभी उस बच्चे को उसके डैड आके उठाते हैं और कहते हैं हमें जाना होगा। और वो वहाँ से जब जा ही रहे होते हैं तभी एक आवाज बाहर से आती है, तो वो उसे दूसरे रूम में ले जाके कहते हैं कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। और ये कहकर जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग उन पे गन ताने खड़े हैं। फिर जो उनका हेड रहता है वो गन फेंकने के लिए कहता है और उसे अंदर लेके आता है। ये सब वो देख रहा होता है कैसे उसको उन लोगों ने एक पासे फेंकने के लिए कहा। और क्या आया, जब वो मारने जा रहे होते हैं तभी वो बच्चा आता है और उन पे अटैक करता है, पर वो उसे मारते हैं। और तभी उसके डैड भी उसे भागने के लिए कहते हैं और वो वहाँ एक विंडो से भाग जाता है और जंगल में से देख रहा होता है। तभी एक आवाज आती है गोली चलने की और फिर उन लोगों को आग लगा के जाते हुए दिखाया जाता है। उसके जाने के बाद वो बच्चा जंगल में से निकल कर घर को देख रहा होता है और वहीं से उसका नाम स्नेक आई हो जाता है। और फिर उसे बड़े होकर एक फाइट लड़ते हुए दिखाया जाता है एक रिंग में। और वहां फाइट जीतने के बाद जब वो जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, उसका नाम केंटर रहता है। वो स्नेक आई को उसके लिए काम करने के लिए कहता है, उसके बदले वो उस आदमी को खोज के देगा जो उसके डैड को मारा था। स्नेक आई मान जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्नेक आई को काम करते हुए दिखाया जाता है। वो एक फिशिंग कंपनी में काम करता है जिसमें फिश के अंदर गन डाल के स्मगल होता है। तभी एक आदमी स्नेक आई को बुलाने आता है, उसका नाम टॉमी रहता है। उसके बाद स्नेक आई टॉमी के साथ जाता है अपने बॉस के पास, जहाँ वो लोग टॉमी को पकड़ कर बैठा देते हैं। और उसका बॉस एक दूसरे आते हुए आदमी को बॉस बुलाता है, ये वही रहता है जिसे स्नेक आई को काम पे रखा होता है, यानी केंदा। उसके कहता है स्नेक आई को गन देके अपनी लॉयल्टी प्रूफ करो टॉमी को मारकर, पर वो उसे नहीं मारता है और उसके साथ मिलकर उल्टा उन लोगों को मारता है। उतने में केंटा वहां से चला जाता है अपने आदमियों के साथ। जब टॉमी और स्नेक आई वहां से एक बोट पकड़कर भाग रहे होते हैं तभी टॉमी केंटा को खड़ा देख लेता है एक बड़े से बोट के पास और वो भागता है केंटा को मारने के लिए और दोनों में लड़ाई होती है। उतने में स्नेक आई को दिखता है और लोग आ रहे हैं, तो वो भी टॉमी के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए और केंटा के आदमियों को मारता है। तभी बहुत सारे आदमी आ जाते हैं तो स्नेक आई टॉमी के साथ एक ट्रक पे बैठ जाता है वहां से भागने के लिए, और वो सब उस ट्रक पे चढ़कर अपने अपने कटाना से मारने लगते हैं। उतने में स्नेक आई थोड़ा घायल हो जाता है, पर पुलिस आ जाने के कारण वो सब वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद स्नेक आई को एक प्राइवेट जेट में उठते हुए दिखाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि टॉमी एक बहुत बड़ा परिवार से बिलोंग करता और केंजा उसके फैमिली में आता है, और वो टॉमी को मारकर लीडर बनना चाहता है अपने फैमिली में। उसके बाद टॉमी स्नेक आई को अपने घर ले जाता है जहाँ टॉमी अपने चीफ ऑफ सिक्योरिटी से मिलवाता है, उसका नाम अकिको रहता है। उसके बाद अपने ग्रैंड मॉम से मिलाता है जो कि उसके परिवार का, जिसे वो लोग कहते हैं क्लेन और अशिकागे, उसकी वो करंट लीडर रहती है। उसके बाद टॉमी अपने ग्रैंड मॉम से कहता है स्नेक आई को और अशिकागे में शामिल करने के लिए, पर अकिको मना करती है। पर टॉमी कहता है उसे स्नेक आई की जरूरत है, जब वो फ्यूचर में लीडर बनेगा तब। टॉमी की जो ग्रैंड मॉम रहती है उसका नाम सेन रहता है, वो स्नेक आई को 3 टेस्ट पास करने के लिए कहती है। उसके बाद दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ टॉमी स्नेक आई से कहता है उसे पास करना होगा वो टेस्ट वरना वो मरेगा, क्योंकि तीसरे टेस्ट में जाके अगर वो पास नहीं कर पाया तो वो मर सकता है और कोई रास्ता नहीं। उसके बाद उसे एक रूम में छोड़ वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, उसे टेस्ट देते हुए दिखाया जाता है एक निंजा की तरह। और ये सब टॉमी एक रूम में बड़े स्क्रीन पे देख रहा होता है, जहाँ अकिको आती है और कहती है ये आदमी भरोसे के लायक नहीं, मैंने इसके रिकॉर्ड चेक किए हैं पर कुछ मिला नहीं। पर टॉमी कहता है मुझे जरूरत है फ्यूचर के लिए, और वहां से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्नेक आई टेस्ट देने के लिए आया हुआ रहता है, और वहीं एक आदमी को दिखाया जाता है जो स्नेक आई का टेस्ट लेगा, उसका नाम हार्ड मास्टर रहता है। टेस्ट स्टार्ट होने पे उसे अपने समझ और लॉयल्टी का प्रमाण देना होता है। उसे एक बाउल को देख के कहा जाता है बिना एक बूंद गिराए मास्टर से एक बाउल लेना है, और स्नेक आई से मास्टर लेंगे। और स्नेक आई को 4 चांस मिलता है, पर 3 में उसे हार का सामना करना पड़ता है। लास्ट के चांस में उसे कुछ बातें याद
याद आती है टॉमी की। उसके बाद वो मास्टर के पास जाके एक रिक्वेस्ट करता है उसकी बॉल लेने का और वो तभी वहीं पास हो जाता है। उसके बाद सबको खाते हुए दिखाया जाता है जहाँ स्नेक आई अकीको से पूछता है कि हार्ड मास्टर उसे इतना क्यों घूर रहे हैं। तभी अकीको कहती है वो नहीं पर ब्लाइंड मास्टर घूर रहे हैं। उसके बाद स्नेक आई को बाइक लेके जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है स्नेक आई केंटा से मिलने जाता है और ये सब अब तक केंटा का एक प्लान का पार्ट था। तभी दूसरी तरफ स्नेक आई केंटा से कहता है बस अब मैं ये सब नहीं करूंगा। तभी वो स्नेक आई के डैड के मारने वाले की पासे दिखाता है, कहता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और कहता है मुझे जो चाहिए वो ला के दे दो और ये आदमी तुम्हारा। उसके बाद स्नेक आई को वापस लौटते हुए दिखाया जाता है जहाँ अकीको देख रही होती है स्नेक आई को छुपके। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉमी स्नेक आई से मिलने आता है और उसे एक कटाना गिफ्ट में देता है और जब वो जाने लगता है तभी स्नेक आई टॉमी से पूछता है न्यूक्लियर ज्वेल के बारे में। तब टॉमी कहता है कुछ लोग के पास उसका एक्सेस है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्नेक को रात में उसे ज्वेल का तलाश में घूमते हुए दिखाया जाता है। तभी अकीको उसे पकड़ लेती है पर स्नेक आई बहाना मारता है कि वो मॉर्निंग का मजा ले रहा है। तभी अकीको स्नेक आई से फाइट करती है। कुछ देर फाइट करने के बाद टॉमी का बुलावा आता है तो स्नेक और अकीको वहां जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि जापान में केंटा का पता चल गया है और उसे टॉमी मारने के लिए तैयारी करने के लिए कहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टॉमी को स्नेक आई और अकीको के साथ एक जगह पे दिखाया जाता है जहां केंटा के लोग वेपन्स रख रहे होते हैं और तभी फाइट स्टार्ट होती है जहां स्नेक केंटा के आदमी को संभालता है वहीं टॉमी केंटा के तलाश में रहता है। उसके बाद स्नेक मारते मारते केंटा के एक खास आदमी के पास पहुंचता है और उसे इशारे इशारे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी टॉमी को लड़ते लड़ते केंटा मिलता है और फिर उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है पर टॉमी केंटा से हार जाता है और उसे मारने वाला रहता है। तभी स्नेक आई एक टावर गिरा के वहां से केंटा को भगा देता है। उसके बाद उन लोगों को वेपन्स चेक करते हुए दिखाया जाता है जिसपे कोबरा के मार्क रहते हैं। उसके बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कारलेट रहता है। वो टॉमी और अदर से बात कर रही होती है तभी कुछ लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं और वो उन लोगों को मारती और कहती है ये कोबरा के लोग हैं और कुछ दूसरी डिटेल भी शेयर करती है एक लेडी के बारे में जो कोबरा के लिए काम करती है उसका नाम बारोनस रहता है। ये सब स्नेक देख रहा होता है और फिर स्नेक को बाइक से आते हुए दिखाया जाता है मिलने के लिए केंटा से पर उसके पीछे अकीको भी आती है पर स्नेक अकीको से कहीं खो जाता है और तभी स्नेक को केंटा मिलने के लिए आते हुए दिखाया जाता है जहां वो आते के साथ कहता है मैंने एक टेररिस्ट के लिए काम करने के लिए नहीं तुम्हारे साथ हाथ मिलाया है और ये भी कहता है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं काम करूंगा। तब वो लेडी जिसका नाम बारोनस रहता है वो आती है और स्नेक आई के डैड के किलर का वीडियो दिखाती और कहती है वो ज्वेल मुझे ला के दो और ये आदमी ले लो क्योंकि केंटा को क्लैन चाहिए मुझे वो ज्वेल और तुम्हें वो आदमी तीनों के जरूरत एक दूसरे से जुड़े हैं। उसके बाद स्नेक आई वहां से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और ब्लाइंड मास्टर को दिखाया जाता है स्नेक आई के साथ। तभी स्नेक आई पूछता है क्या ये मेरा टेस्ट है। तब वो कहता है ये एक यूनिक टेस्ट है और उसे एक लाइट को फॉलो करने के लिए कहता है। तभी स्नेक उसे फॉलो करता है और एक जगह पहुंचता है जहां उसे एक लाइट में उसका पास्ट और फादर दोनों दिखते हैं और वो उनसे बात करता है और फिर वहां ब्लाइंड मास्टर को उसके पीछे दिखाया जाता है। उसके बाद स्नेक उससे पूछता है क्या मैं पास हुआ तो वो कहता है ये पास और फेल से ज्यादा बड़ा है कि ये एक मिरर है जो तुम्हारी कमजोरी दिखाता है और तीसरे टेस्ट के बारे में कहता है कि इस टेस्ट को फेल करना पसंद नहीं करोगे। तभी स्नेक आई को फिर वहाँ घूमते हुए दिखाया जाता है पर अलार्म बजने लगता है और अकीको को शक तो स्नेक आई पे रहता है। वो उसके रूम में जाती है चेक करने के लिए तो दिखाया जाता है स्नेक बाथरूम से निकल रहा होता है पर उसके कपड़े पड़े होते हैं पीछे जो वो छिपा रहा होता है। उसके बाद अकीको पूछती है कहाँ गए थे बाइक से। तब वो कहता है तुम्हें बस यही रीजन मिला है। तब अकीको कहती है तुम्हें नहीं पता ये फैमिली मेरे लिए क्या मायने रखती है। तब स्नेक अपनी बात बताता है
कैसे उसके डैड मारे गए थे और यही कारण ढूंढता फिरता है। तभी आकिको मान जाती है ये बात और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों मास्टर और टॉमी और आकिको स्नेक आई के साथ एक गुफा के आगे खड़े रहते हैं और फिर ब्लाइंड मास्टर अंदर जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है तुम्हें उस स्टोन पे खड़े रहना है और जजमेंट का इंतजार करना है। तभी स्नेक आई उससे गुफा में जाता है और खड़ा हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है तीन बड़े बड़े स्नेक वहाँ पे आते हैं तो हार्ड मास्टर कहता है वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे अगर तुम्हारा दिल साफ है तो, पर वो अटैक करते हैं स्नेक आई पर, वो उसे पकड़ लेते हैं और खाने वाले रहते हैं। उतने में आकिको आ जाती है और स्नेक से कहती है तुम ऊपर जाओ और वो ध्यान स्नेक सबका बटाने लगती है। तभी स्नेक आई ऊपर चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सबको सेन के पास दिखाया जाता है जहाँ वो आकिको को सजा देने की बात करती है। तभी स्नेक अपनी डैड वाली कहानी बताता है सेन को तो वो कहती है तुम्हारी ऑनेस्टी ने तुम्हें बचा लिया। और तब वो बाहर आता है, उसके पीछे आकिको भी आती है और देख रही होती है स्नेक को जाते हुए। तभी स्नेक अपने कमरे में जाके कटाना लेके टॉमी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है फेल होने के लिए और उसे वो कटाना भी लौटाता है और कहता है तुम ही एक भाई हो मेरे जिसे मैं अपना मानता हूँ और अपना हाथ उस कटाने पर रख देता है। तभी टॉमी भी उस कटाना पर अपना हाथ रख उसे वो कटाना रखने के लिए कहता है। तभी स्नेक टॉमी का ब्लड एक हैंकी से पोंछ कर रख लेता है। उसके बाद स्नेक को वहां लगे लेजर को डिस्ट्रॉय करते दिखाया जाता है जिससे कि टॉमी और आकिको न्यूक्लियर ज्वेल जाके चेक करते हैं और उनके पीछे स्नेक भी जाता है और एक जगह पे छुप के सब देख रहा होता है। उनके जाने के बाद स्नेक भी अंदर उसी टेम्पल में जाता है और वहाँ रखे ज्वेल को टॉमी के ब्लड लगे हैंकी के मदद से खोल लेता है। तभी वहाँ आकिको आ जाती है और फाइट करने लगती है उस ज्वेल को बचाने के लिए, पर स्नेक वहाँ से भाग जाता है आकिको को गिरा के। उसके बाद सेन को दिखाया जाता है जहाँ वो टॉमी और आकिको को वो ज्वेल लाने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों भी बाइक से वहाँ से निकल जाते हैं स्नेक के पीछे। दूसरी तरफ स्नेक को केंटा के पास बाइक से पहुँचते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पुरुनेस भी रहती है और जब वो ज्वेल स्नेक पुरुनेस को दे रहा होता है तभी केंटा उसे ले लेता है और कहता है पहले मुझे इसे क्लेन को अपने कब्जे में करने दो फिर ये तुम्हारा हो जाएगा और वहाँ से जाने लगता है। पर उससे पहले कहता है प्लीज एंजॉय योर रिवॉर्ड। तभी स्नेक को अंदर एक छोटा सा गोडाउन में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी को बंद करके रखे हुए होते हैं। उसके बाद स्नेक उससे कहता है पासे फेंकने के लिए और स्नेक आई आता है उसमें। तभी वो आदमी कहता है हाँ मुझे अब याद आया तुम वही हो जिसने मुझे अटैक किया था अपने डैड को बचाने के लिए। तब स्नेक पूछता है तुमने क्यों मारा मेरे डैड को। तब वो कहता है कोबरा के कहने पर। उसके बाद स्नेक सब समझ जाता है कि ये सब शुरू से कोबरा करवा रहा और वहाँ से उस आदमी को आजाद कर चला जाता है। तभी टॉमी और आकिको को दिखाया जाता है, उसकी नजर स्नेक पे पड़ती है जाते हुए और वो उसका पीछा करते हैं और एक टनल में पहुंचते हैं जहाँ कुछ गुंडे उनके पीछे रहते हैं। तभी स्नेक देख लेता है और पीछे मुड़ चलती बाइक पे उनके पीछे आते गुंडे को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और तभी गोलीबारी होने लगती है। दूसरी तरफ आकिको और टॉमी को भी एहसास होता है कि स्नेक उनके साइड से लड़ रहा होता है। उसके बाद केंटा सेन को मारने के लिए उस पैलेस पे पहुंचता है और अपने आदमियों के साथ और उस ज्वेल की पावर को यूज कर आगे बढ़ता है। तभी सेन ब्लाइंड मास्टर के साथ उसके सामने आ जाता है और दूसरी तरफ हार्ड मास्टर को भी फाइट करते हुए दिखाया जाता है और स्कारलेट को भी। उसके बाद स्नेक और टॉमी को एक दूसरे से कटाना के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है, पर टॉमी कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है और स्नेक टॉमी कार से वहां से निकल जाते हैं। फिर बारूनस को दिखाया जाता है केंटा के साथ जहां वो लोग सेन को अपने कब्जे में लिए हुए रहते और स्कारलेट को भी। और जब बारूनस वो ज्वेल मांगती है तो केंटा उसे देने से मना कर देता है और उसे गिरा देता है। तभी एक आदमी यहाँ के केंटा से कहता है कि स्नेक और टॉमी आ रहे हैं यहाँ पे। तभी केंटा अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बारूनस स्कारलेट के साथ जा मिलती है कुछ देर के लिए और जाके सेन के बगल में खड़ी हो जाती। वैसे ही टॉमी को फाइट करते हुए दिखाया जाता है और पहुँचता है एक जगह पे जहाँ ब्लाइंड मास्टर एक क्लोन की तरह छुपा हुआ रहता है और टॉमी कहता है उसने उसे देख लिया है। तभी वहाँ हार्ड मास्टर भी आ जाता है। उसके बाद केंटा के बहुत सारे लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो लोग सभी को मारते हुए
हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्नेक और आकिको को आते हुए दिखाया जाता है। वैसे ही सेंट वहाँ से निकलती है केंटा के आदमियों को मारकर और कहती है स्नेक से कि इस बार धोखा दिया तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। उसके बाद पांचों को वहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है अलग अलग डायरेक्शन में और केंटा के लोगों को मारते हुए भी दिखाया जाता है सबको बारी बारी से। और लड़ते लड़ते टॉमी स्नेक एक जगह मिल जाते हैं केंटा के आदमियों से घिरे हुए। तब दोनों एक साथ मिलकर फाइट करते और दूसरी तरफ से कुछ पटाखों के साथ प्लान कर रही होती है ब्लाइंड और हार्ड मास्टर के साथ मिलके। उसके बाद केंटा को उस ज्वेल के साथ खड़ा अपने आदमियों के साथ दिखाया जाता है। तभी दूसरी ओर से सेंट टॉमी स्नेक और अदर आ रहे होते हैं उनके सामने और फायरिंग स्टार्ट करते हैं। पर केंटा उस ज्वेल की मदद से बच जाता है पर उसके सारे लोग मर जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक गैस का यूज कर अलग अलग छुप जाते हैं। उसके बाद जब केंटा उन्हें खोज रहा होता है तभी सेन उसे आके मारती है और बजाए रखती है। टॉमी भी उसे बजाए रखता है। तभी जब दोनों मास्टर एक कार्ट यूज कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारा फायरवर्क लगा हुआ होता है वो केंटा के तरफ खींचते हैं और केंटा अपनी तरफ आता देख उस ज्वेल का यूज करता है और वैसे ही एक ब्लास्ट होता है जिससे कि वो ज्वेल से दूर फेंका जाता है। और जब केंटा वो ज्वेल लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी स्नेक गोली चला के उसे रोक देता है और इतने में टॉमी उसे ले लेता है और यूज करता है केंटा पर। तभी सेन उसे मना करती और वो ज्वेल मांग लेती है। तभी आकिको देखती है जहाँ टॉमी ने ज्वेल यूज किया था वहाँ केंटा नहीं रहता है। तभी दूसरी तरफ केंटा को भागते हुए दिखाया जाता है और उसके पीछे स्नेक को भी और वो दोनों उसी स्नेक वाले गुफा के पास पहुँचते और फाइट करने लगते हैं। तभी स्नेक का चलाकी से अपने साथ केंटा को उस गुफा में लेके गिर जाता है और तभी वहाँ वो स्नेक सब आ जाते हैं जिसमें से एक को केंटा काट देता है और दूसरे वाले स्नेक को केंटा को खा जाता है। पर स्नेक आई भी लटका रहता है क्योंकि केंटा से बंधा वो सिकर स्नेक आई से भी रहता है और धीरे धीरे वो स्नेक आई के मुंह के पास पहुंच रहा होता है। तभी दूसरा स्नेक सिकर काट उसे कुछ नहीं करता है। उसके बाद सब सेन के सामने बैठे रहते हैं और तभी सेन कहती है वो इस फैमिली के लास्ट लीडर होगी क्योंकि टॉमी ने उस ज्वेल को यूज कर फैमिली का प्रॉमिस को तोड़ दिया है, इसलिए वो आगे फ्यूचर में लीडर इस फैमिली का नहीं बन पाएगा। उसके बाद टॉमी गुस्से से वहां से चला जाता है अपनी रिंग उतार कर। उसके बाद स्कारलेट को आते हुए दिखाया जाता और स्नेक को बैग पैक करते हुए। तभी आकिको स्नेक के लिए एक प्रेजेंट लाती, एक ड्रेस जिससे हम स्नेक आई को जानते हैं। तब तक तभी स्कारलेट भी स्नेक के पास आ जाती है और स्नेक से कहती है उसके डैड का इसलिए कोई रियल आईडी नहीं था क्योंकि वो भी एक जोत है और स्नेक को ऑफर देती है जो ज्वाइन करने के लिए। पर स्नेक कहता है पहले उसे टॉमी को ढूंढ के वापस लाना है और फिर स्नेक को वो ड्रेस पहन वहाँ से बाइक से जाते हुए दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और टॉमी को एक प्राइवेट जेट में बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ बारोनस वहाँ आ जाती है और उसे कोबरा में शामिल होने का ऑफर देती है। तभी वो मान जाता है और जब बारोनस उसका नाम लेती है तो टॉमी कहता है मुझे स्टॉर्म शैडो बुलाओ अब से और मूवी का द एंड हो जाता है।